हाय फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट किए थे, जिसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लिया था। उसमें मैं बताया था कि फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल, पहले तो चैप्टर का नाम डालते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें मैं बताया था कि फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल को डिस्कवर किए थे। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक एंटोन वॉन लीवेनहॉक। ओके, ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसमें मैं बताया था कि उसके बाद सेल थ्योरी को डिस्कस किए थे, विच वॉज गिवन बाय सिल्डन एंड स्वान, ठीक है। सिल्डेन जो थे एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, ठीक है, और स्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद हम लोग जो है सेल थ्योरी का एक्सेप्शन भी पढ़े थे कि वायरस जो होता है ये एक्सेप्शन होता है सेल थ्योरी का, ठीक है। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो हालांकि हम लोग आगे पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस जो होता है कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग का। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या शो करता है कि रेप्लिकेशन शो करता है इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, और नॉन लिविंग वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, वो नॉन लिविंग के कैरेक्टर शो करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। ओके, कुछ और जो डाटाबेस चीजें हैं हम लोग को याद रखनी है, जैसे यदि हम बात करें साइज ऑफ सेल की, साइज ऑफ सेल्स की, ठीक है, तो साइज ऑफ सेल्स में हम लोग को प्रोकैरियोटिक सेल का जो एवरेज साइज होता है वो 0.2 to 2.5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो एवरेज साइज होता है वो कितना होता है, 0.2 to 2.5 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो यूकैरियोटिक सेल का एवरेज साइज होता है, यूकैरियोटिक सेल का जो एवरेज साइज होता है वो 25 माइक्रोमीटर होता है, 25 माइक्रोमीटर होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज यदि हम बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो पीपीएलओ होता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या जिसको हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा लेड लिवाई। इसका जो साइज होता है वो कितना होता है, 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर के आसपास इसका साइज होता है, क्लियर है। स्मॉलेस्ट प्लांट सेल यदि पूछे, स्मॉलेस्ट प्लांट सेल, ठीक है, तो ये होता है क्लेमाइडोमोनास स्मॉलेस्ट प्लांट सेल होता है। स्मॉलेस्ट एनिमल सेल यदि पूछे, स्मॉलेस्ट एनिमल सेल, स्मॉलेस्ट एनिमल सेल हम याद रखेंगे प्लाज्मोडियम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट साहब कि यदि
लार्जेस्ट प्लांट सेल पूछे, लार्जेस्ट प्लांट सेल, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्लांट सेल जो होता है वो होता है एसिटा बुलेरिया, एसिटा बुलेरिया, ये एक ग्रीन एल्गी होता है साहब, ठीक है, यूनि सेलुलर ग्रीन एल्गी होता है, इसका साइज 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। एक और याद रखिएगा, इंटरनोडल सेल्स ऑफ काड़ा, ठीक है, लार्जेस्ट प्लांट सेल में ही इंटर नोडल सेल्स ऑफ काड़ा, ये भी लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट एनिमल सेल पूछे, लार्जेस्ट एनिमल सेल, ठीक है, लार्जेस्ट एनिमल सेल जो होता है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, लिख लीजिए, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ये जो है 17x15 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ओके। उसके बाद यदि लॉन्गेस्ट सेल पूछे ऑफ एनिमल बॉडी, ठीक है, इसको मिटा दूं, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ एनिमल, ठीक है, तो इसमें हम याद रखेंगे न्यूरॉन्स ऑफ जिराफ, ये लगभग 110 सेंटीमीटर के आसपास होता है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो होता है न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन या नर्व सेल जो 90 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ओके। ये कुछ डाटा बेस्ड चीजें हैं जो हम लोगों को याद रखनी है, ठीक है, जो हम लोगों को याद रखनी है, क्लियर है, ठीक है। इसको ओके उसके बाद कुछ और चीजें देखते हैं, यदि हम देखें शेप ऑफ सेल्स, ठीक है, शेप ऑफ सेल्स, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है एनिमल सेल का ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के एब्सेंस के कारण डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, ठीक है। एक सबसे पहले हम आरबीसी की बात करें, ठीक है, तो आरबीसी जो होता है वो राउंड तो होता है, ठीक है, राउंड, ठीक है, इस तरह से होता है, राउंड होता है और ऊपर और नीचे से चपटा होता है, दैट इज राउंड एंड बाई कॉनकेव, ठीक है। डब्ल्यूबीसी के शेप की बात करें, ठीक है, तो चूंकि डब्ल्यूबीसी को क्या करना है कि पैथोजन को इंगल्फ करना है, ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का कोई रेगुलर शेप नहीं होगा, इरेगुलर शेप होगा या अमीबॉइड शेप होगा, इरेगुलर या अमीबॉइड शेप का होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें न्यूरॉन सेल्स की, ठीक है, तो न्यूरॉन जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और ब्रांच होते हैं कुछ इस तरह से, ये इनके डेंड्राइट हो गए,
एक की बात करें तो डेंड्रॉन हो गए, ये इसका एक्जॉन हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये न्यूरॉन हो गया, ये कैसा है, लॉन्ग है एंड ब्रांच्ड है, ठीक है। उसके बाद स्पर्म की बात करें तो स्पर्म जो है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, लॉन्ग होता है, ये भी 55 माइक्रोन का होता है, ठीक है, यदि ह्यूमन स्पर्म की बात करें तो, ठीक है। लिखिए इसको, हो गया। अब देखिए, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। इसको मिटा दूं, देखिए यदि हम देखें तो सेल जो है वो तीन टाइप के होते हैं, हालांकि अपने एनसीईआरटी में दो टाइप का ही दिया है, ठीक है, एक प्रोकैरियोट, एक मेसोकैरियोट और एक यूकैरियोट्स, ठीक है। मेसोकैरियोट्स अपने एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम लोग को दो टाइप का यदि दिया है तो दो टाइप का सेल ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा हो गया यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, तो लिख लीजिए प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कवर्ड बाय लीवेनहॉक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल को लीवेनहॉक डिस्कवर किए थे, जबकि यूकैरियोटिक सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट पॉइंट साहब, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक ये न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है, ठीक है, दैट मींस कि इनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है साहब प्रिमिटिव टाइप, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, एब्सेंट होगा। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यू मतलब वेल डेवलप, ठीक है, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होंगे, कैसे होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, यहां क्या होगा प्रोकैरियोटिक सेल में कि डीएनए जो है हम ऐसे लिखें कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होगा, और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन एंड डू नॉट फॉर्म क्रोमोजोम, ठीक है, तो लिख लीजिए यहां हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो है एक बेसिक बेसिक प्रोटीन होता है, ठीक है, ओके, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ एसोसिएटेड होके क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करता है। यहां हिस्टोन प्रोटीन नहीं है जिसके कारण क्रोमोजोम का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विथ, डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विथ, एसोसिएटेड विथ, सिंस डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोजोम इज नॉट फॉर्म, क्रोमोजोम डू नॉट फॉर्म, क्रोमोजोम नहीं बनेंगे, ठीक है, क्लियर है,
यहाँ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है यूकैरियोटिक सेल में, तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन इज एसोसिएटेड विथ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए एंड फॉर्म क्रोमोसोम। ठीक है, यहां क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल में एनएचसी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन प्रेजेंट होगा, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन प्रेजेंट होगा। यहां भी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन प्रेजेंट होगा, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट साहब, यहां प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होगा। ठीक है, लिख लीजिए, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन्स। हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि पॉलीमर ऑफ नामनाग एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड के पॉलीमर से प्रोकैरियोटिक का सेल वॉल जो है बना होता है, प्रोकैरियोट्स का सेल वॉल बना होता है। लेकिन यदि हम यहां बात करें, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में, तो सेल वॉल किसका बना होगा, काइटिन का बना होगा, फंजाई में सेलुलोज का बना होगा, हेमी सेलुलोज का बना होगा, पेक्टिन का बना होगा। प्लांट सेल में लिख लीजिए कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन, फंजाई में, ठीक है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टीन एटसेट्रा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट साहब, राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होगा, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में मेन राइबोसोम्स जो होता है वो 70S टाइप का होता है। इस 70S के फर्दर दो सब यूनिट होते हैं, एक 50S और एक 30S। इसके समेशन से यहां कोई मतलब नहीं है, ऐसा हम नहीं समझेंगे कि 50S और 30S मिल गया तो 80S राइबोसोम प्रेजेंट होगा, जी नहीं, ऐसा कभी नहीं समझेंगे। ओके, यहां पर राइबोसोम्स जो प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके दो सब यूनिट होते हैं 60S और 40S। ठीक है, ये एस जो है सेडिमेंटेशन कोफिशियंट या स्वेडबर्ग यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसको जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे उस समय मैं बताऊंगा। ठीक है, यहां भी 70S राइबोसोम मिलता है, लेकिन कहां, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम मिलता है। ठीक है, मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में 55S राइबोसोम मिलता है। ठीक है, लिखिए इसको, हो गया, चलिए मिटा दूं, अच्छी बात। राइबोसोम्स के साथ साथ अब यहाँ मिसोसोम की बात कर ले रहे हैं। मिसोसोम हम लोग पढ़े हैं, हालांकि मैं यहाँ बताऊंगा अभी कि मिसोसोम जो होता है वो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो प्रोकैरियोटिक में सेल में प्रेजेंट होता है, विच इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस होता है, क्लियर है। तो यहां मिसोसोम प्रेजेंट होता है, मिसोसोम्स प्रेजेंट, लेकिन यहां मिसोसोम नहीं होता है,
निसोसोम्स एब्सेंट होते हैं साहब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्लेजिला की, ठीक है, फ्लेजिला की। तो यहां फ्लेजिला जो है, फ्लेजिला इज मेड अप ऑफ फ्लेजिलिन प्रोटीन का बना होता है, फ्लेजिला फ्लेजिलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, और 360 डिग्री रोटेशन शो करता है, ठीक है, 360 डिग्री रोटेशन शो करता है। ये ऐसे ऐसे क्या करता है, ऐसे ऐसे नाचता है, ठीक है। लेकिन यूकेरियोट्स में फ्लेजिला जो होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, सॉरी, फ्लेजिला इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, किसका बना होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होगा, एंड सो 180 डिग्री रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन, ये कुछ ऐसे शो करेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, 180 डिग्री रोटेशन ये शो करेगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यदि हम बात करें तो यहां प्रोकैरियोट्स में चूंकि क्रोमोजोम नहीं बन रहा है, स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनेगा और स्पिंडल फाइबर भी नहीं बनेगा, तो यहां जो सेल का डिवीजन होगा, मैं बताया था कि सेल डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन, मैं बताया था कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बायोलॉजी में दोनों सेम चीज होता है। यहां जो सेल मल्टीप्लीकेशन होगा या डिवीजन होगा, वो किस प्रोसेस से होगा, एमाइटोसिस। एमाइटोसिस जो होता है इसमें ना ही जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, ना ही क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, ओके, क्लियर है, यहां ये सब नहीं होता है। लेकिन यूकेरियोट में जो सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन अकर्स बाय ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट साहब, यहां पर प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ही एब्सेंट होंगे, एक्सेप्ट क्रोमेटोफोर जिसमें लेमली प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक्सेप्ट क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर, ठीक है, इसमें लेमली प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है। उसके बाद यहां पर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, तो क्या क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर की बात करें, लाइसोसोम, गॉल्जी बॉडी, ओके, उसके बाद माइक्रोबॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीज यहां प्रेजेंट होता है साहब, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली राइबोसोम्स यहां भी प्रेजेंट होंगे, वहां भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्लियर है, दोनों में प्रेजेंट होंगे, ओके। चलिए लिखिए इसको, मिटा दूं,
यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में इंक्लूजन बॉडी स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट फॉर स्टोरेज ऑफ स्टोरेज के लिए ये प्रेजेंट होंगे, जैसे वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स किसके लिए, फॉर फॉस्फेट आयन के स्टोरेज के लिए, ठीक है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स के स्टोरेज के लिए। उसके बाद साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स फॉर प्रोटीन स्टोरेज, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स इसके लिए प्रोटीन स्टोरेज के लिए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट साहब, इसमें स्टोरेज बॉडी यहां भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वो स्टोरेज बॉडी सिंथेसिस भी करेंगे और स्टोर भी करेंगे, ओके क्लियर है। उसके बाद यहां मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म जिसको हम साइक्लोसिस बोलते हैं वो एब्सेंट होता है, ठीक है, साइक्लोसिस एब्सेंट होता है, यहां साइक्लोसिस प्रेजेंट होता है, साइक्लोसिस प्रेजेंट होता है, क्लियर है। उसके बाद साहब यहां प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ट्रू वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, ट्रू वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। ये गैस वैक्यूल्स जनरली तो मेम्ब्रेन लेस ही होते हैं लेकिन मेम्ब्रेन हो भी सकते हैं, ठीक है, ये एक फॉल्स वैक्यूल है, फॉल्स वैक्यूल है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल की बात करें सॉरी तो ट्रू सेफ वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, सेफ वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद एनिमल सेल्स में फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, फूड वैक्यूल्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लियर है, हो गया। उसके बाद इनका एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्रोकैरियोट्स का, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज, ठीक है, बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद मीजोकैरियोट्स का एक एग्जाम्पल हम लोग को याद रखना है, डाइनोफ्लेजिलेट्स, ठीक है, मीजोकैरियोट्स का डाइनोफ्लेजिलेट्स याद रखना है, बस एक ही एग्जाम्पल याद रखना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद यहां याद रख लीजिए फंजाई, प्रोटिस्टा, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, ये यूकैरियोट्स में हम याद रखेंगे, ठीक है, लिखिए इसको। हो गया, चलिए
साहब अब हम प्रोकैरियोट्स का टिपिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इसका एक टिपिकल स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये इनका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन का इवेजिनेशन हो गया, या इसको हम आउटग्रोथ बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाहर ये प्रेजेंट होगा साहब सेल वॉल, ये हो गया सेल वॉल। ये सेल वॉल जो है इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इनको बर्स्ट होने से बचाता है। यदि इनको आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दीजिएगा, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जिनका कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, इनके साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है इनके साइटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन से या प्रोटोप्लाज्म के कंसंट्रेशन से क्या होगा, कम होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यदि रख देंगे तो इनको बस्ट नहीं होने देगा ये सेल वॉल। दूसरी चीज ये है साहब कि ये सेल वॉल के कारण इनका एक प्रॉपर शेप होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि ये सेल वॉल जो है इनको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है, इनको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, क्लियर है। ये सेल एनवेलप का पार्ट है। सेल एनवेलप में तीन पार्ट आएंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इसको हम बनाएंगे, इनके बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ये सेल वॉल हो गया, और सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पेरीप्लाज्मिक स्पेस या पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस हो गया, ठीक है। इनके बाहर ये सेल वॉल के बाहर ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये एक स्लिमी लेयर है, ठीक है, चिपचिपी लेयर है, जो इनको क्या करता है, पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। पैथोजेनिसिटी, डिजीज कॉजिंग एजेंट को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेन बोलते हैं। तो इनमें डिजीज कॉज करने की एबिलिटी ये प्रोवाइड करता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनको अदर पैथोजेन से या वायरस से, केमिकल से,
ये क्या करता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स ये इनको प्रोटेक्ट करता है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आइए इस डायग्राम को बनाते हैं, लेबल करते हैं। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ये हो गया पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस। ठीक है, ओके, और ये हो गया सेल वॉल। सेल वॉल क्लियर है। उसके बाद ये हो गया पिलई या फिम्ब्री, पिलई या फिम्ब्री हो गए। ठीक है, यहां पर इनमें प्रेजेंट होगा ये हो गया इनका डीएनए, जीनोमिक डीएनए। ठीक है, जीनोमिक डीएनए ये हो गया, सब में तो नहीं होता है लेकिन जब भी होगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में ही होगा, बैक्टीरियल सेल में ही होगा, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। ये कैसा होता है, ऑलवेज डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, ऑलवेज कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड और सर्कुलर होगा। ये जीनोमिक डीएनए जो होगा ये भी कैसा होगा, होगा तो एक ही, ठीक है, लेकिन ये भी सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, यहां लिख सकते हैं, ठीक है, कि जीनोमिक डीएनए सिंगल होगा, सर्कुलर होगा और डबल स्टैंडर्ड होगा। इसको मैं लिख दूंगा बाद में। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये हो गया साहब। ठीक है, और कुछ यहां पर क्या होगा, ये कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कुछ राइबोसोम्स इनके साइटोप्लाज्म में भी मिलेंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म में भी मिलेंगे, ओके। उसके बाद साहब यहां क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवेजिनेशन भी प्रेजेंट होगा, इनवेजिनेशन जिसको हम मिसोसोम बोलेंगे। ठीक है, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, ये पेरीमेम्ब्रेनल स्पेस या पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी इसको हम बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, उसके बाद ये एमआरएनए हो गया, इस एमआरएनए से हो सकता है कि ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम्स का अटैच भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉलीसोम्स। ठीक है, पॉलीसोम्स, पॉलीसोम्स क्या होता है, जब चार या चार से अधिक, ध्यान दीजिएगा, जब चार या चार से अधिक राइबोसोम्स के सब यूनिट अटैच हो जाए एक एमआरएनए के साथ। ठीक है, जब एक एमआरएनए के साथ चार या चार से अधिक राइबोसोम्स के सब यूनिट अटैच हो जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम्स बोलते हैं। ये कब बनते हैं, ये तब बनेंगे जब एक टाइप के बहुत सारे प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होगी, तब बनेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये पॉलीसोम्स केवल व केवल किसमें बनते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में ही बनते हैं। कुछ राइबोसोम्स जो हैं ये इस मिसोसोम के साथ भी अटैच होंगे। ठीक है,
ये हो गए राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, क्लियर है। उसके बाद साहब अब देखिए यहां पर, ठीक है, ठीक है, ये हो गए बेसल बॉडी, या इसको हम प्रोकैरियोट्स में ब्लेफेरोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गए फ्लैजिला, और एक फ्लैजिला है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैजिलम, क्या बोलेंगे, फ्लैजिलम, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट साहब, इसको बनाइए, ठीक है। ये हो गया ग्लाइको कैलिक्स, ठीक है, और ये इसमें कुछ प्रोटीन भी प्रेजेंट है, प्रोटीन कुछ, ये इनका एमआरएनए भी बना दीजिए यहां, एमआरएनए क्लियर है, बनाइए। हो गया, मिटा दूं, बना लिए। अब देखिए हो सकता है कि प्लाज्मिड जो है, ठीक है, वो न्यूक्लियोइड डीएनए के साथ फ्यूज भी हो सकते हैं, और मतलब वो न्यूक्लियोइड डीएनए से अटैच भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यदि प्लाज्मिड जो है, प्लाज्मिड अटैच विथ न्यूक्लियोइड, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं, एपिसोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिसोम बोलते हैं, क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस नहीं बना है इसलिए इनको, इनमें हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है या जीनोफोर प्रेजेंट है, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या इसको हम क्रोमोसोम से पहले बोल सकते हैं, प्रो क्रोमोसोम,
ठीक है, क्या बोल सकते हैं, प्रो क्रोमोसोम, क्लियर है। चलिए अब देखिए, ये एक ही होगा, सिंगल होगा, कैसा होगा, सर्कुलर होगा, सर्कुलर होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है, और ये इक्विवेलेंट टू वन क्रोमोजोम होगा, चूंकि ये डीएनए से एसोसिएटेड नहीं होगा, नॉट एसोसिएटेड विथ, सॉरी नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन, हेंस इट इज इक्विवेलेंट टू वन क्रोमोजोम, ठीक है, एक क्रोमोजोम के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा, यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, ओके, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होगा, न्यूक्लियोलस भी क्या होगा, एब्सेंट होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में तो एब्सेंट ही होता है, ठीक है, एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होगा, ये किसका बना होगा, ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स का बना होगा, मेड अप ऑफ नाम और नाम एंड नाग, नाम एंड नाग और पेप्टाइडोग्लाइकन्स, पेप्टाइडो ग्लाइकन्स किसका बना होगा, पेप्टाइडो ग्लाइकन्स का बना होगा, ठीक है। उसके बाद ये सेल वॉल कैसा होगा, हार्ड होगा, पहले तो यहां इसका लिख लेते हैं नाम का फुल फॉर्म क्या होगा, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, क्लियर है। उसके बाद बैक्टीरियल सेल वॉल, अब देखिए एक चीज यहां हम लिख ले रहे हैं, यदि जीनोफोर को, ठीक है, जीनोफोर को बैक्टीरियल सेल से आइसोलेट कर दिया जाए, ठीक है, रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, तो बैक्टीरियल विल, बैक्टीरियल सेल विल डाई, ठीक है, रिमूव फ्रॉम बैक्टीरिया, देन बैक्टीरिया विल डाई, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा, लेकिन यदि सेल वॉल को रिमूव कर लिया जाए तो वो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, ठीक है, इसको लिखिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यदि सेल वॉल को रिमूव कर दिया जाए तो बैक्टीरिया जो है सरवाइव करेगा, ठीक है। इफ बैक्टीरियल सेल वॉल रिमूव देन बैक्टीरिया कैन सर्वाइव, ठीक है। सेल वॉल लेस बैक्टीरिया इज नोन एज लिस्टर फॉर्म। सेल वॉल लेस बैक्टीरिया इज नोन एज लिस्टर फॉर्म, या इसको एल फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेल वॉल लेस प्लांट सेल को हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सेल वॉल में जो एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं डापा, डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड, डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड और लाइसिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डाई एमिनो पाइमेलिक एसिड और लाइसिन प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट साहब कि सेल वॉल जो होता है वो हार्ड होता है, रिजिड होता है और प्रोवाइड सेफ एंड स्ट्रक्चर टू बैक्टीरियल सेल। सेल वॉल कैसा होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, ठीक है, दैट हार्ड रिजिड और प्रोवाइड बैक्टीरियल सेफ, ठीक है, सेफ एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, क्लियर है। लिखिए इसको, नेक्स्ट अब क्या आएगा, प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड जो होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। उसके बाद ये इसमें ये किसी किसी बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, कुछ ही बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। इट मे कंटेन निफ जीन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए निफ जीन प्रेजेंट होते हैं, हो सकते हैं। हाफ जीन प्रेजेंट हो सकता है फॉर हाइड्रोजन अपटेक, ठीक है। उसके बाद आर जीन प्रेजेंट हो सकते हैं, आर जीन रेजिस्टेंस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद ये एफ जीन इनमें प्रेजेंट हो सकता है, फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, फर्टिलिटी प्रोवाइड, ठीक है, एफ प्लस एफ माइनस बैक्टीरिया में बताया भी था, ठीक है। लिखिए इसको, ये नॉन एसेंशियल होता है, ठीक है, नॉन एसेंशियल और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, लिख लीजिए, नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ठीक है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, नॉन एसेंशियल फॉर
सर्वाइवल, ऐसा नहीं है कि ये नहीं रहेगा तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा, ठीक है। ये और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्लाज्मिड हो सकता है, ए प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, ठीक है। उसके बाद जो है टी आई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर टी आई प्लाज्मिड भी हो सकता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूज होता है किसमें, यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। यदि इसको रिमूव करने के बाद बैक्टीरियल सेल डिस्ट्रॉय हो जाता तब इसका यूज नहीं हो पाता, ठीक है, तब इसका यूज नहीं हो पाता। देखिए इसको, मिटा दूं इसको, उसके बाद आइए साहब, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में इनमें स्टेरॉल्स नहीं होता है, ठीक है, एस्ट्रॉल्स प्रेजेंट नहीं होता है, लिख लीजिए नो एस्ट्रॉल्स एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, नो एस्ट्रॉल्स एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में एस्ट्रॉल्स हो सकता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद साहब यहां पर एस्ट्रॉल्स के जगह पर एक पेंटासाइक्लिक स्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होपेनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है, होपेनॉइड्स क्या है, पेंटासाइक्लिक स्ट्रॉल्स हैं, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, क्लियर है। उसके बाद साहब इसके इनफोल्डिंग को, ठीक है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, मीसोसोम बोलते हैं, ठीक है, मीसोसोम बोलते हैं। ये मीसोसोम जो होता है, ठीक है, इट इज एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकेरियोट्स बिकॉज इट कंटेन एंजाइम्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन लाइक सक्सिनेट, डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये सब एंजाइम इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ये इससे कुछ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा, ये डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तीसरा, ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, सेल डिवीजन, ठीक है, और इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन लाइक एंजाइम्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन लाइक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है, सक्सिनेट, डिहाइड्रोजिनेज, ये सब एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लिखिए इसको।
उठा दो इसको। नेक्स्ट, पिलई या फिमविल। पिलई या फिमविल, पिलई जो होता है ये हॉलो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, इट इज हॉलो फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, एंड हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ डीएनए, हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ये डीएनए ट्रांसफर में हेल्प करता है। फिमब्री जो होता है ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये सेल के अटैचमेंट में हेल्प करता है, हेल्प्स इन सेल अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम, ठीक है, सॉलिड फिलामेंटस स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स इन सेल अटैचमेंट, सेल के अटैचमेंट में हेल्प करता है साहब, ठीक है। ये दोनों इवेजिनेशन या आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, पिलई या फिम्ब्री क्या होते हैं, इवेजिनेशन, इवेजिनेशन या आउटग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ होते हैं साहब, ठीक है। नेक्स्ट आइए ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि स्लिमी लेयर होता है, ठीक है, लिख लीजिए, इट इज स्लिमी लेयर इन फेवरेबल कंडीशन, और ये हम बोल सकते हैं कि कोट होता है पॉलीसेक्राइड का, ठीक है, और ये कैप्सूल बना लेता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, कैप्सूल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, कैप्सूल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, क्लियर है। ये क्या होता है, ये पॉलीसेक्राइड्स का बना होता है, ठीक है, लिख लीजिए, मेड ऑफ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड्स, मेड ऑफ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन मे बी प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट और एबसेंट, प्रोटीन प्रेजेंट हो भी सकता है और एबसेंट भी हो सकता है, क्लियर है, लिखिए इसको। चलिए
नेक्स्ट आइए राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये क्या होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, डेट मींस राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इनमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है, 70S टाइप का होता है। इसके दो सब यूनिट होते हैं, 50S और एक 30S। इट इज मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली, ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होते हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोलते हैं, ओके क्लियर है। नेक्स्ट फ्लैजिलम, फ्लैजिला यदि प्रेजेंट होगा, इफ प्रेजेंट देन इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, फ्लैजिलिन प्रोटीन किसका बना होगा? फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होगा, क्लियर है। उसके बाद इनमें मल्टीप्लीकेशन जो होगा, ठीक है, यहां क्रोमोजोम का फॉर्मेशन होगा, नो क्रोमोसोम फॉर्मेशन, नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, यहां स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहां जो है न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, लिख लीजिए न्यूक्लियर कॉन्स्ट्रिक्शन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन, साइटोप्लाज्मिक कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। डॉटर सेल्स इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल, इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग सेल के टाइप पढ़ लिए हैं, ठीक है, जिसमें दो टाइप पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में तो पढ़ लिए, यूकैरियोटिक सेल को फर्दर हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेंगे और प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में थोड़ा बहुत डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।